तो आपके सामने है न्यू डोमिनार 250 सीसी, जिसका हम आज करने वाले हैं रिव्यू। तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। इस बाइक का जो ऑल ओवर व्यू है वो एंजॉय करो, उसके बाद हम इसके फीचर्स स्टार्ट करते हैं। तो लुकिंग वाइज बाइक जो काफ़ी हैवी और बल्की है, तो बाइक का जो फ्रंट प्रोफाइल है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट में आपको इस तरीके से पूरा वाइज़र दिया गया है ब्लैक कलर का। तो फ्रंट हेडलाइट सेटअप फुल्ली LED दिया गया है इसमें, DRLs है वो स्प्लिट में दिए गए हैं और लो बीम हाई बीम। तो एक बार हेडलाइट ऑन कर लेते हैं इसकी। तो जैसे ही इग्निशन की ऑन करते हैं तो दोनों साइड जो DRLs है वो ऑन हो जाती है और लो बीम हाई बीम। तो ये इस बाइक का फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप, रेड कलर का आपको ग्लॉस में स्टिकर देखने को मिल जाता है दोनों ही साइड। फ्रंट मडगार्ड इस बाइक का आपको ट्विन कलर में मिलता है, आगे रेड और पीछे ब्लैक मैट। फ्रंट सस्पेंशन आपको अपसाइड डाउन फोर्क मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क प्लस ABS मिल जाता है और टायर साइज के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 100/80 17 inches का टायर मिल जाता है। MRF कंपनी का टायर दिया गया नाइलो ग्रिप के साथ, ट्यूबलेस टायर है फ्रंट एंड रियर। इंजन काउल आपको फाइबर बॉडी में मिल जाता है और कैटलिक कन्वर्टर आप देख सकते हो, और यहाँ ऊपर की तरफ आपको ऑयल कूलिंग रेडिएटर मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो कूलेंट है इस बाइक का वो आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम। सिंगल हॉर्न दिया गया इस बाइक में, यहाँ आपको लेग गार्ड मिल जाता है और इंजन के ठीक ऊपर आपको DTSI ट्विन स्पार्क की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यह आपको मेटल मिलता है और उसके ऊपर टोटली जो फाइबर बॉडी है, टैंक बॉडी भी आपको फाइबर में मिल जाती है इसकी। ब्रेक लीवर आपको मेटल में मिल जाता है, एल्युमिनियम फिनिश। फुट पैक्स देख सकते हो आप, राइडर फुट रेस्ट रबड़ ग्रिप के साथ राइडर फुट रेस्ट मिल जाता है। पिलियन फुट रेस्ट में आपको रबड़ ग्रिप नहीं मिलती। और पीछे की तरफ आते हैं तो आपको ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है, इसका साउंड वे भी सुनाता हूँ मैं आपको। रियर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो इसमें आपको 230mm का डिस्क ब्रेक विद ABS मिल जाता है। और टायर साइज के बारे में बात करें तो वही MRF कंपनी का टायर मिल जाता है और टायर साइज है इसमें, रियर टायर साइज है इसमें 130/70 17 inches का, और रेड कलर की आपको स्ट्राइप देखने को मिल जाती है। फ्रंट एंड रियर एलॉय आपको ब्लैक कलर में मिल जाते हैं और रेड कलर की स्टिकरिंग आपको फ्रंट में भी देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं मीटर कंसोल की, तो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है इसमें आपको, RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल इंडिकेशन, फ्यूल गेज मीटर। इसमें आपको गियर इंडिकेशन लाइट और रियल टाइम माइलेज दोनों ही नहीं मिलते, बाकी आपको न्यूट्रल लाइट, लो फ्यूल इंडिकेशन और हायर RPM की लाइट दी गई है। छोटी सी डिस्प्ले मिलती है इस बाइक में, इंजन मैन फंक्शन लाइट, लो बैटरी इंडिकेशन की ब्रांडिंग, साइड स्टैंड लाइट और ABS की लाइट। तो ये आपको 4-5 लाइट मिल जाती है इसमें। टैंक का जो लॉक है वो आपको ग्लॉस फिनिश में मिलता है। तो बात करते हैं इसके स्विच गियर्स की, पासिंग स्विच मिल जाता है, लो बीम हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आए तो आपको इंजन के स्विच मिल जाता है, और ये आपको हेडलाइट का स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ, और ये आपका सेल्फ स्टार्ट। तो इस बाइक का जो टैंक है वो आपको 13 लीटर का मिल जाता है। जो ग्राफिक्स है टैंक के ऊपर और ओवरऑल बाइक पे वो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, हेड के साथ में ग्रे या वाइट कह लो, काफ़ी अच्छी फिनिश आ रही है निकल करके। टैंक के ऊपर आपको डोमिनार की 3D ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मिरर है वो काफ़ी प्रीमियम दिए गए हैं देख सकते आप। जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा किया गया है। इसमें जो ब्लू कलर की लाइट जल रही है वो काफ़ी प्यारी लग रही है इसमें, रात में काफ़ी अच्छी लगेगी जो ब्लू कलर की लाइट जल रही है इसमें।
फ्रंट में बाइक के वाइजर के ऊपर आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आपको सुनाते हैं। काफी बेसी साउंड और काफी प्यारा लग रहा है। बाइक के इंडिकेटर्स आपको फुल्ली एलईडी में मिलते हैं, जैसे कि आपने ड्यूक में देखे होंगे, सेम वही डिज़ाइन है। वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है एलईडी इंडिकेटर से, देख सकते हो आप। फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, एलईडी फुल्ली एलईडी टेल लाइट मिल जाती है स्प्लिट में। ग्रैब रेल आप देख सकते हो स्प्लिट में दिए गए हैं। लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके जो ग्रैब रेल्स है वो मेटल में दिए गए हैं। रियर मडगार्ड है वो काफ़ी हैवी क्वालिटी में दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको इस तरीके से लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए, और यहाँ पे नंबर प्लेट असेंबल के लिए पत्ती दी गई है। आपको इस तरीके से रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, जो कि नाइट में काफ़ी अच्छे से जज होंगे। तो इस तरीके से आपको रेड कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दोनों ही साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड में इस बाइक में दिए गए हैं। तो टेल पैनल में आपको डोमिनार 250 का 3D लोगो मिल जाता है। तो इसका जो चैन कवर है, ओपन चैन कवर दिया गया फाइबर बॉडी में, ये आपको बड़ा सा सारी गार्ड मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, इस बाइक में आपको 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाता है। आपको टैंक पैड मिल जाता है। बात करें बाइक की सीट है, स्प्लिट में सीट दी गई है और सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। राइडर सीट भी काफ़ी ब्रॉड दी गई है और पिलियन सीट है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। सीट कुशन भी काफ़ी सॉफ्ट है। टेल पैनल आप देख सकते हो ट्विन कलर में दिया गया है, यहाँ पे ग्लॉस रेड है और ये ब्लैक मैट। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 157 mm का मिल जाता है। 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें 13 लीटर की मिल जाती है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आपको 145 km/h की मिल जाती है। और अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 30 से 35 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। इस बाइक में आपको मैन स्टैंड नहीं मिलता है, जो कि नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। गियर सस्पेंशन इसमें आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हो रियर ब्रेक ऑयल मिल जाता है, मैक्सिमम मिनिमम चेक कर सकते हो यहाँ से आप। तो इंजन की जो पावर फिगर है वो आपको स्क्रीन पे आ रही होगी। बाइक से रिलेटेड अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।